भागियो भागियो एक मिनट नाराबंदी कर दो नारा एक मिनट रुक जाओ हां सा गोपाल जी राम 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 सुनीता जी हां सा अरे एक मोहन यार के बहुत फन एक मिनट शांत रहो सभी 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 भाई गौर से बात सुनना एक नारे के साथ बहुत देव नारायण भगवान की जय एक मिनट मेरी बात सुनो अगर शांति बना रखो तो ठीक है ठाकरे साहब देखो मैं मर जाऊं तैयार हूँ अगर क्रांति लेवल चाहो ठाकरे साहब देख लो कुछ सामाजिक तत्व अगर नाटक करे ठाकरे मर्जी मेरी बात सुनो शांति में काम करना कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा गलत नारा लगा देना खाली की समस्या मैं जवाबदारी मैं ली थी कि शांतिपूर्ण तरीके को काम है अगर जो भी काम है तो मेरा मुकदमा आप से मैं गोपाल जी का मुकदमा उठाने के लिए बात कर रहा हूँ थाना गोपाल जी जेल भेजना है तो भेज दो मैं मर गया हम तैयार हूँ अगर न अगर कोई नेतागिरी करनी थे करो मैं मारे जब हम तैयार हूँ थे जानो मंदिर जानो काम जाना आप गोपाल जी का मुद्दा ने बंद कर बगलाया सही बात पुलिस प्रशासन की मदद करियो अगर आप चला के बैठे लाठी चार्ज करे कोई भाई का पहली मारी बात सुनो सुनो हमारी बात सुनो सुनो सभी सुनो 30 तारीख 30 जुलाई में जो लपड़ो हो कोई तो मैसेज डालियो कोई गड़ा कर लाठी चार्ज देखो सब आप में गरब लाके छो रही कोई ने सुनी गाड़िया हाल तक 30 पड़ी थी 80 गाड़िया छुटी मेरे हाथ में जा रही 3 पूछो संजय 3 महीना तक मैं छुटे किसान की जमानता भी 191 भी 25,000 के 2-2 शेते ऐसे प्रमाण लगे छुटिया अगर आप लोगों ने माहौल खराब करना है तो आपको ऐसा देख लो और हमारा साथी जब मैं प्रशासन जवाबदारी ली थी हमारी जवाबदारी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके हुई अगर आपने क्रांति लानी है तो भगवान जाना थे जाना मई थकित रहे पाचा जेल जमा के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर सिस्टम न चले मुझे जवाबदारी था की माहौल बिगाड़ा था कि मरनी थे जानो मैं आपका सब लोग लिए ही आए हैं वो थोड़ी तो गोपाल बस्सी के लिए गोपाल बस्सी के मित्र माहौल अपन सब उनके साथ में तो कुछ नहीं है सब सही है गलत माहौल पर सुनो माहौल खराब करें आप काम न करना सुनो हमारी बात सुनो तरीके से अपना प्रदर्शन करना सिस्टम से काम आएगा दादागिरी करो जो भी करो था की मर्जी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो लपड़ा हुआ था भाजपा गांव वाले ने माना था लोगों ने चाहे उतना जबरदस्ती करा तो मैं तक साथ में कौन है अच्छा था ठाकरे जानो मैं जानो हाल भी कार्यक्रम राख्यो अत्रो शांति निपटियो प्रशासन आपा की साथे खड़ो रियो व्यवस्थित चालो ठाकरे दू न करनी शांतिपूर्ण आंदोलन न चलावा तो आपा को काम हो रियो अगर आप लोगों ने लागे कि ये जबरदस्ती माहौल खराब करनो तो थे ताकि हिसाब में करो छोटी कर बैठू हर आदमी का कड़िया पड़े ला बदमाश तो भाग जाला सही है फोकट की हमारी बात सुनो इले या नेतागिरी को फिल्म बंद रखी सुरेश दाजी महाराज का सानिध्य में चालू अंतरराष्ट्रीय आप यहाँ किसी के भी नेतृज्ञ में नहीं है आप देवदड़ी दरबार के नेतृज्ञ देवनारायण के दरबार के नेतृत्व बजरंगी एक मिनट मारी बात सुनो मारी बात सुनो सुनो ये मंदिर मैटर में संजय जी ने माना दुनिया पूरी पतो एक एक चीज की रिपोर्ट है मारी बात सुनो मैं अगर मैं सुनता हूँ तो ठीक है नहीं वो तो मैं माँ का जब हम तैयार नहीं तो आपको स्वीकार नहीं सब इन्हीं के लिए कर रहे हैं कि जितने भी जो लड़के थे 5 लड़के इनके साथ सबके मुकदमे वो मुकदमे वापस हो और भगवान देवनारायण ने चाहे तो आज अपने पक्ष में निर्णय भी हो जाएगा 99% ऐसे चांस है अगर आप ये क्रांति लाते हो माहौल खराब करते हो अगर उसका नहीं हुआ तो उसके समय जवाबदार आप लोग हो आज माहौल खराब किया एक मिनट मारी मारी बात सुनो गाड़बो कर दियो उदयलाल जी यो कर किया वो या कर किया यूं आपा को अच्छो न लगे भाई मारी बात सुनो मानव मंडल में रहनो ये प्रशासन रोज काम में लेनो रोज कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल छुटानी रोज थाना में जानो लड़े झगड़ो कर कहीं ना कर सका मुसलमान का गजान सुखिया आपने रोज प्रशासन का साथ दे दो प्रशासन की मेरी बात सुनो सिस्टम काम करना अगर आपने अनकंट्रोल होना है तो मैं गारंटी ले रखी तो मैं मानो जान क्यों हमारी गारंटी कोई नहीं भाई सीधी सी बात है संजय जी हाँ आप चले साथ में मैं क्यों भी समझ जवाब नहीं मेरी कोई अनकंट्रोल नहीं होगा कोई लपड़ा नहीं होगा साथ में है उन्होंने कहा भाई सिस्टम आप
संवैधानिक तरीके से करो, हम आपके साथ। महाराज एक मिनट, सुरेश दासजी महाराज 15 मिनट में आपके बीच में हमें तैयार है। महाराज जी, सुरेश दास जी ने अपने नीलकंठ का महाराज जी घाटी व्रत में चाली, बाकी सबको अपना अपना साधन सेट कर लो। एक मिनट रुको, मैं बता दूं, 1:30 बजे कलेक्टर साहब का तो मैसेज आया होगा भाई, 1:30 बजे बाद वीसी भगवान चाहे तो इस मैटर में सीएम साहब हुआ की वीसी है 1:30 बजे बाद में, क्योंकि क्यों आप 1:30 बजे तक पहुंच जाओ। तो महाराज जी 15-20 मिनट पहुंच जाए, आप आना कर शालीन था सिस्टम को काम कह रहा, तो आपने अपने मोटरसाइकिल आपने अपने हिसाब लगा दो, और ये जो रथ है भगवान को आगे चाली, अगर कोई भी एक भी आदमी एक मिनट हमारे पास जिसानवर हमारा राजपूत समाज की रैली निकली उठा असिंद में उछानी चाल लो, और गुजर समाज का हिसाब चाल लो, तो महाराज तो जाए बिलवाड़ा आज सवाल बोल का महाराज, एक भी आदमी आगे न जाए मैं भी न जाऊँ। जो आगे जाए जिले सवाई बोझ महाराज की सोच है, ठीक है अबे बिल्कुल शांति, आपने अपनी मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर लो, अब खतरा का आदमी है गाड़ियाँ को नहीं, अगर लड़े जाए ठीक है बात, सोने जो हाथ खड़ा करो, जो मैं व्यवस्था करा गाड़ियाँ को और एक बार सुनो सुनो सुनो, कोई नारा नारा कोई नहीं कर रहा, एक मिनट सुनो यार मेरी बात सुनो, तू सुनो मैं बताऊं, इन्हें लास्ट पॉइंट पे है कटी आपकी क्रांति लाभ, वो बात बंद हो जाओ। और आज सिर्फ देवनारायण भगवान का नारा निकालो, देवनारायण भगवान का और जय श्री राम का अलावा कोई नारो न लगे, कोई समाज विशेष के खिलाफ नारो न लगावा, आपने को कोई काम बना लो, माहौल खराब करवा बना, अगर माहौल खराब हो गया पी के डंडो पड़ को जेल भरो, ये सिर्फ पूजा समाज पिछली बार घटना का हुआ था, मैंने किसी को नहीं बुलाया, फिर भी लबड़ा पड़ गया तो मैं यार आपके साथ में रहा, और आज दिन तक मैं मोटरसाइकिल में छुटवा रहा हूँ, ट्रैक्टर में खड़ा हो जाए जो आराम, अरे मिनट सुनो, अरे बुलडोजर सरकार आई जो डीजे सब चाल को कह रही ऑटोमेटिक, इस सरकार में न चाल पाते आप गाड़ी से बोलो देव दरबार की। एक मिनट सुनो, रास्ता में कुछ जगह जाकर चफानी की अल्पार की पुष्प वर्षा की बरसात है, सब शांति कोई दूध न करनी, कोई बिजली की बोतल दे, कोई जो भी गेरी खाना भगवान देवनाथ के बराबर मान, हर आदमी का सामान पहुंची या मैं की गारंटी लूटा मारी खाला है, सुनो खाला अटैक ज्ञापन हो मंडल के अंदर गोपाल जी बस्ती को, ये मंडल वाला का खेल दोनों कौन है, ये यहाँ का समर्थन का पूरा मंडल बन रही, और पूरा हिंदू समाज का सब संगठन बिल्कुल सिस्टमेटिक डेंगू पर सिस्टम काम हो, आयो ना ज्ञापन दियो गोपाल जी, फोटो ले ले फोटो, अरे शांतिपूर्ण तरीका कोई भी उग्र आंदोलन, मेरी बात सुनो गोपाल बसी गई बोल बो गोपाल जी, आप लोगों के बीच में एक मिनट सुनो, बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो गोपाल जी, आप लोगों के बीच में आ गया है, अगर यहाँ तो धाका दी करेला यहाँ का टोर्चर हो तो वह जवाब दे ठाकी रेवली, अगर यहाँ छुटाना यहाँ का समर्थन में रहना तो सिस्टमेटिक बात करनी पड़ेगी, और अब संविधान बिल्कुल कानून का रूप में बात करना अधिकारी हूँ, और यह आगे यू कौन है कहते भाग जाओ जाने पुलिस अंदर ले जाओ, नहीं बिल्कुल बुरा पार्टी लोग बराबर चाह रहे, गोपाल जी आपने तो सब कहना क्यों, शांति शांति हूँ, एक बार सभी भाई जोर से नारा लगाएंगे, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा देवनारायण भगवान की जय। साथियों आप सबने सर्व समाज ने और हिंदू समाज ने पूरे राजस्थान में जो एक क्रांति का बिगुल बजाया है, तो आप सबसे
मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदयलाल जी जिन्होंने पिछली बार भी ताले खुलवाने के लिए प्रयास किया, हमारे 100-100 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, और मैंने देखा था मेरी आंखों से कि उदयलाल बडाना ही दिखाई दे रहा था जो थाने और कोर्टों में चक्कर लगा रहा था आपको बचाने के लिए, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं नंदलाल जी से काफी प्रभावित हूँ, इन्होंने भी काफी सहयोग किया, बहन संगीता भी है, इन्होंने भी राजस्थान में जा जाकर अलग जगाई। साथियों एक बात बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को अगर हिंदू शेरों ने बाबरी मस्जिद को नहीं ढाया होता तो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार अगर मांडल में भगवान श्री देवनारायण के ताले नहीं टूटते तो ये हमेशा बंद ही रहता। आप सबको कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है, किसी भी भाई को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसने कानून व्यवस्था बिगड़े, और शासन प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमें रोकने की कोशिश ना करे। और कई लोग कह रहे थे कि गोपाल बस्सी ताले तोड़कर भाग गया, तो वो सुन ले कि गोपाल बस्सी फौलादी सीना लेकर चलता है, और मैं भीलवाड़ा की धरती पर ही था, दिन रात लोगों को जगाने का काम कर रहा था, और आज आप सबकी ताकत से आप सबके बीच में खड़ा हूँ। और प्रशासन से भी निवेदन है कि वहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने हमारे 4 भाइयों को गिरफ्तार किया उनको तुरंत रिहा किया जाए, और अगर आपको मेरे से दिक्कत है तो मैं तैयार हूँ, आप कभी भी मुझे ले जाओ। गोपाल बस्सी संगीता गुजर भाई साहब बोलो, आप सुनो, टीचर साहब सुनो, अपनी मीटिंग हमारी बात सुनो, प्रशासनिक अधिकारियों है सारा लोग 1:30 बजे तो पहुँचनो तो शांति उजाला, और अब महाराज जी जो आ रहा अशियान जो करेगा तो रस्तों बचा बना जाला, आज अगर ये नाम खराब है तो सुरेश दास जी सुरई पहुंच को स्थान नाम से बोलो, 3-4 ट्रैक्टर ठिकाने का साधन कौन है, 3-4 ट्रैक्टर मंगा लिया जी पे बैठ जा जी आराम, ये राधे हां आगे लगा दो लगवा लिया ट्रैक्टर मंगा लिया, और आपने अपनी मोटरसाइकिल ले लो, एक बार अपने साथ ले लो। एक मिनट रुको, शांति से सुनो, गलत नारा कोई नहीं लगा, गलत आप सभी भाई एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज, आप सभी भाई एक चीज ध्यान रखना कि आप किसी नेता के नेतृत्व में नहीं है, आप आए देवनारायण भगवान के हाजिरी लगाने के लिए मांडल की इस पावन धरती पर, इसलिए आप बिगाड़ो तो भी आपकी मर्जी और सुधारो आपकी मर्जी, नेता का प्रोग्राम बिगड़ सकता है लेकिन देवनारायण का प्रोग्राम नहीं ये सर पर
आप कर रहे हो सोशल मीडिया पर आके गलत लाइव आते हैं।